हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके थ्रू आपको रिकमेंडेशन जरूर मिल सकता है और ये टिप्स जो है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड किया है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ने जी हाँ ये टिप्स को लेकर जो आज का सेशन बना है द टिप्स आर बींग कलेक्टेड फ्रॉम मेनी ऑफ द रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जिसके अनुसार आप अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट ला सकते हो और अपने एस में बहुत आराम से आपको रिकमेंडेशन भी मिल सकता है सो लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट दिस टिप्स आर एंड हाउ यू कैन डेवलप योर पर्सनैलिटी टू गेट रिकमेंडेड इन योर अपकमिंग एस इंटरव्यू द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट टेप दैट यू नीड टू रिमेंबर इज डोन्ट बीप्टल टू मेक द टफ कॉल सो ट्रस्ट मी यू ईदर विन और यू विल लर्न अगर आप सक्सेस आपको मिल गया तो वेल एंड गुड अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको कुछ समझ में तो आएगा आप सीख तो कुछ पाओगे सो so ऑब्वियसली कहीं पर भी आप जा रहे हो स्पेसिफिकली इन योर रियल लाइफ अगर आप देख रहे हो देर इज समथिंग डिफिकल्ट थिंग दैट यू नीड टू डू देर इज सम चैलेंज दैट यू नीड टू फेस देन टेक इट डो नॉट थिंक कि अरे क्या होगा मैं तो हार गया मैं तो मैं तो बिल्कुल भी सक्सेस मुझे नहीं मिला ऐसा नहीं सोचना है आपको ये समझ लेना है दैट फेलियर्स आर अ गोल्डन स्टेप स्टेप टू टू सक्सीड तो नेक्स्ट इज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग बहुत कैंडिडेट्स के अंदर ये क्वालिटी या फिर ये बैड यू नो क्वालिटी रहता है बैड हैबिट रहता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं काम को बहुत ज्यादा डिले कर देते तो एक महान व्यक्ति ने यही कहा था दैट व्हेन यू रेस्ट You rust. That means, कि जब आप काम को पीछे यू uh, नो you know, रख के आगे बढ़ जाओगे जब आपको लगेगा आज नहीं कल कल नहीं परसो तो आप सक्सेस से उतना ही दूर चलते जाओगे तो आपको क्या करना है यू हैव टू एक्सेप्ट मोर ऑफ दीज थिंग्स टूडे एंड गेट इट डन राइट नाउ एंड वन आफ्टर दर एक के बाद एक काम आपको कंप्लीट करना है और जो काम आज करना है वो आज ही करना है उसको कल या परसों के लिए नहीं रखना है बी द गिवर ऑलवेज बी इन द हैबिट ऑफ गिविंग मोर देन वॉट हैज बीन लास्ट फॉर जो आपसे पूछा गया है उससे ज्यादा दो गो द एक्स्ट्रा माइल दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डेवलप द सेल्फलेस हैबिट ऑफ सर्विंग अदर्स अगर आप अपनी रियल लाइफ में बाकी लोगों का मदद करोगे ना इन दी आर्म्ड फोर्सेस दैट विल रियली बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू सो रिमूव द वर्ड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर डिक्शनरी एंड ट्राई टू डू थिंग्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न द नेक्स्ट स्टेप इज एक्स्यूट द एटीट्यूड ऑफ केयरिंग केयरिंग इज शेयरिंग सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ केयरिंग फॉर एवरीबॉडी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट यू विल गेट केयरिंग फॉर दैट पर्सन और वट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट इज दोअर करो और ये एटीट्यूड जो है ये आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्पेसिफिकली इन योर लीडरशिप स्किल्स फॉर योर टीम बी अनडेटर्ड फ्रॉम वेयर एंड टेयर इसका क्या मतलब है वेन यू फेल इन लाइफ वेन यू गेट इंज्योर्ड वेन यू गेट सैड समथिंग इज नॉट हैिंग एज पर योर एक्सपेक्टेशन यू शुड नेवर फील सैड फॉर इट यू शुड नेवर गिव अप यू शुड ऑलवेज थिंक दैट विक्टरीज एंड अचीवमेंट्स डू नॉट कम टू यू इन अ मैटर ऑफ मोमेंट उसके लिए काम करना पड़ता है और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा यू हैव टू वर्क हार्ड यू हैिव अप सो नेवर फील बैड नेवर फील टायर्ड आफ्टर एनी काइंड ऑफ फेलियर इन लाइफ स्टॉप एंड रिमूव द हैबिट ऑफ प्लेइंग सेफ गेम है ना हम लोग के अंदर ये हैबिट है

हाउ इज सो एवर दिचुएशन में डिमांड बट डोन्टे ना क्या मुझे इसमें पढ़ना नहीं है इन्वॉल्व नहीं होना है स्टार्ट एक्टिंग ऑन योर कॉल एंड रेस्ट विल ऑब्वियसली फॉलो योर लीड इससे क्या होगा आपके पर्सनैलिटी के अंदर इनिशियेटिव लेने की क्षमता लीडरशिप स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो की बहुत इंपॉर्टेंट वोइल क्यूज है आपको पता होगा दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली डेवलप और ये एस एस बी के लिए अलग से आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप टू डेवलप यूर पर्सनैलिटी इज टू इन एंड एनरिच कैसे करना है पैसे इन्वेस्ट करना है नहीं आपको इन्वेस्ट करना है खुद पे और खुद को इनरिच करना है विथ इंस्पिरेशनल स्टोरीज मोटिवेशनल बुक्स विजडम नॉलेज आइडियाज वट एवर दैट कम्स टू यू इन्वेस्ट द टाइम इन बोथ मेंटल एंड फिजिकल वर्कआउट एन रिच यूर माइंड विथ मॉरल्स विद्स ओपिनियंस आइडियाज एवरी थिंग इससे आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनोगे आप एक ओपिनियन इंडिविजुअल बनोगे और जब आप एस एस बी में जाओगे स्पेसिफिकली ग्रुप डिस्कशन लेक्चर एट में वहां पर आप अपने आइडियाज uh, को अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाओगे एंड ऑल नो दैट वी ऑल रिस्पेक्ट अ पर्सन हु थिंक्स इंडिपेंडेंटली एंड हैविनियन ऑफ हिज ऑर हर ओन आस्क किसी भी जगह

वो तो हंसेंगे मेरे ऊपर नो person whom रियल पर्सन ask यू विल encourage एनकरेज यू never मॉक यू सो डोंट थिंक कि मुझे क्या मिलेगा ताना मिलेगा कि मॉकिंग सुनने को मिलेगा इफ यू Next समथिंग आस्क फॉर इट नेक्स्ट टिप इज टू डेवलप आई फॉर have फॉर द डिटेल्स observant पर्सन कहीं पर भी आप जा रहे हो एरिया को ऑब्जर्व कर लो किस तरह के लोग हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है एंड डू नॉट ओनली ड्राइव टू कंक्लूशन की यह हो रहा है तो ये हो रहा है ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक रीजन बिहाइंड इट हर एक माइन्यूट चीज को एनालाइज करना पड़ेगा आपको चाहे वो आप कुछ पढ़ रहे हो चाहे आप कुछ देख रहे हो कहीं पे गए हो किसी के साथ बात कर रहे हो इससे आपके अंदर एनालिटिकल पावर जगेगी आपके अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जगेगा एंड दीज थिंग्स आर अगेन टेस्टेड इन एस एस बी स एंड नॉट एक्सक्यूजेस आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे रीजन होना चाहिए और रीजन जेनुइन और लॉजिकल होनी चाहिए डो नॉट गिव एक्सक्यूजेस कवर्ड अप और कोटेड रीजन एक्सक्यूजेज होते रीजन रीजन होते तो मान लो अगर आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाए कोई परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पाए तो उसके पीछे जेनुइन रीजन होना चाहिए Do नॉट गिव उसके वजह से नहीं हुआ मैं तो ये कर रहा था तो नहीं हुआ एक्सक्यूजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल बट इफ यू हैव गुड वैलिड रीजन प्लीज गिव इट अदरवाइज एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर इट डू योर होमवर्क वेरी इंपॉर्टेंट अपना रिसर्च कर लो होमवर्क कर लो अच्छा और इसके लिए आपके एसएसबी में कैसा हेल्प होगा वेन यू डूइंग होमवर्क वेन यू डू अर रिसर्च कोई भी टॉपिक पे मान लो डिस्कस हो रहा है इन एक्चुअल लाइफ नॉट इन एसएसबी एस अपने घर में मान लो कोई भी टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो उस टॉपिक पे आप होमवर्क कर लो रिसर्च कर लो गूगल तो है आप, आपके पास एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल इफ यू वांट कैन ऑल्सो रेफर टू बुक्स और यू कैन ऑल्सो टॉक टू समबडी एल्स फ्रॉम वट एवर रिसोर्सेज आर देर यू हैव टू यू नो कलेक्ट इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिसर्च

फुलस इट बिकम्स अ क्राइम फॉर यू तो कोई भी टाइप के आप मिस्टेक्स कर रहे हो एक बार करो उससे सीख लो फीडबैक ले लो किसी से कि मेरा क्या मिस्टेक था खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर लो और देख लो क्या मिस्टेक था आपका या कहा मिस्टेक हुआ होगा और मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अगेन डो नॉट गिव एक्सक्यूज कि उसके वजह से हुआ इसके वजह से हुआ ट इज द रीजन बिहाइंड को इम्प्रूव करने की कोशिश करो नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को रिपीट मत करनाल्प यू टू बिकम अ बेटर ऑफ डूइंग एंड वॉट यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंगो एबिलिटी टू इम्प्रूव ऑन यूर मिस्टेक्स टू इम्प्रूव ऑन योर वीकनेस फेल कीप फेलिंग बट डोंट क्विट एंड है इंपॉर्टेंट लाइन है यह फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा कोई भी आदमी नहीं है पूरे लाइफ में कोई जिंदगी में आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो जिसने कभी फेल नहीं किया है तो फेल करते रहो कोई बात नहीं है लेकिन कभी भी गिव अप नहीं कर देना और ये टिप्स जैसे मैंने कहा था सेशन के बिगिनिंग में रेकमेंडेड कैंडिडेट्स ने दिया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे आप में से जो रिपीटर्स है जो बार बार जा रहे हैं एस में बार बार उनको फेलियर ही मिल रहा है तो उनको लग रहा है कि गिव अप कर दे अब तो नहीं होना होगा पर ऐसा नहीं करना है ऑन दी अदर हैंड आपके पास एक बैकअप रहना भी इंपॉर्टेंट है ऐसा भी मत करना कि यही मेरी लाइफ है ये नहीं तो कुछ नहीं ऐसा एटीट्यूड भी गलत है तो क्या होना क्या करना है आपको आपको प्रेपरेशन लेने के वक्त आपको क्या करना है स्ट्रोंग डेडलाइन तक आपको प्रेपरेशन करना है जितना ज्यादा प्रेपरेशन कर सको उतना ज्यादा आपको प्रेपरेशन करते जाना है और बैकअप के लिए भी आपको सोच के रखना है अगर नहीं हुआ अगर आप फेल कर गए अपने लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर चीज पे तो डोंट वरी यू हैव टू टू गो बैक द बैकअप प्लान ओके एंड फ्रॉम देर ट्राई टू बी द सक्सेस तो नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क हार्ड और ये तो हर एक के जिंदगी का सबसे बड़ा पन्ना है चैप्टर है जो कभी भी खाली नहीं जाता ऑलवेज वर्क हार्ड एज बाई इन इंस्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ सिचुएशन यू विल नो हाउ टू डेवलप स्मार्ट स्ट्रेटेजी हाउ टू डेवलप हार्ड वर्क हाउ टू मिनिमाइज द टाइम फ्रेम ऑफ अ प्रॉब्लम और ये सब कुछ आपको लीड करेगा द नेक्स्ट वर्क वट इज दैट स्मार्ट वर्क तो हार्ड वर्क से ही आप स्मार्ट वर्क तक पहुंच पाओगे और अगर आप ये दोनों चीज करते हो अपने लाइफ में तो आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा और आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगा बी द एंजर सो यहाँ पे फरिश्ता बनने के लिए आपको क्या करना है मैं नहीं बोल रही कि फरिश्ता बन जाओ सच में स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ ंग यू टू बी इन योर राइट और स्पिरिट सही और गलत के बीच का फासला डिफरेंस वो समझ में आपको आना चाहिए इट मीन्स दैट यू हैव टू बी काइंड ईवन टू दोन क्रूअल टू यू सो साइस इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल आपको रिस्पेक्ट करने आना चाहिए लोगों का आपके सीनियर्स का आपकी एल्डर्स के ऑल्सो आपको ऐसा नहीं करन, लगना चाहिए कि जो डिस्ट्रेस में है प्रॉब्लम में है उसका एडवांटेज ले लेते हैं कॉम्प्यूटेटर को धक्का मार के फेंक देते हैं और खुद निकल जाते हैं बिकॉज यू आर अन बींग एवरी वन इज अ कॉम्पुटेटर ये बट यू ऑल्सो हैव टू बी अ रेस्क्यूअर यू हैव टू बी द एंजल यू हैव टू बी नोबल इनफ नॉट टू डू दैट टू बी द मैन इनफर दुमन इनफ नॉट टू डू दैट सो ऑलवेज बी काइंड केयरिंग एंड हेल्पफुल फॉर पीपल इवन इफ दे आर क्रूअल नेक्स्ट टिप इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शेयर क्रेडिट जब आप कोई काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो ना अपने ग्रुप के साथ बाकी लोगों के साथ टीम के साथ वो क्रेडिट को शेयर करो ऐसा मत बोलो मैंने ही किया है देख लो मेरी वजह से ही आज ये सक्सेसफुल हुआ है ये चीज सिमिलरली अगर कोई चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लिया है और वो फेल हो गया है ओके तब आपको बाकी लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए टीम को ब्लेम नहीं करना चाहिए आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना है दिस एटीट्यूड विल रिफ्लेक्ट दैट यू आर अ परफेक्ट लीडर अ ट्रू लीडर अ ट्रू लीडर ऑलवेज टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके इवन इफ समथिंग इज गोइंग रॉंग एंड शेयर्स द क्रेडिट विद अदर्स इफ इट इज अ सक्सेस ओके सो डू रिमेंबर ऑल द एक्शन टास्क डन बाय योर टीममेट्स आपको याद रखना है क्या किसने क्या किया है और एक अच्छा लीडर बनने के लिए नॉलेज रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम मेक्स कौन से एरिया में स्ट्रांग है सो इफ समथिंग इज गोइंग इट्स इट्स बिकॉज यू हैव कैलकुलेटेड इन अ रॉन्ग वे नॉट देयर फॉल्ट सो ऑलवेज ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन समथिंग गोज रॉन्ग एंड वेन समथिंग गोज अ ब्लास्ट लाइक अ ब्लास्ट सक्सेस शेयर द क्रेडिट ऑफ सक्सेस विद ईच एंड एवरी वन इन द टीम दिस विल मेक यू अ ट्रू लीडर इन द एक्चुअल लाइफ नेक्स्ट वन इज डोंट फोकस ऑन द वॉट बट ऑन द वाई बिहाइंड वॉट इसका क्या मतलब है कि कोई सिचुएशन घट चुका है कोई इवेंट हो चुका है तो स्विफ्टली कमिंग टू द कंक्लूशन इज नॉट अ राइट अप्रोच टू इट आपको क्या करना है आपको सोचना है डॉट्स एंड फिगर आउट वाई समथिंग हैज हेपेंड वेर वॉज द प्रॉब्लम वॉट वॉज द प्रॉब्लम इनस्टेड ऑफ कमिंग टू द कंक्लूशन की चलो ये हो गया क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों कुछ हुआ एंड यूसो भी एबल टू नो दिहाइंड सोल्यूशन हाउ यू कैनो स्टॉप द प्रॉब्लम गेट रेड ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट विल मेक यू ए वेरी एनालिटिकल पर्सन नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ने एस्केप फ्रॉम ट्रू ऑफिसन

एस एस बी इंटरव्यू के लिए ही नहीं बल्कि अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा सो मेक श्योर यू आर यूजिंग टिप्स हेल्पिंग टू डेवलप योर पर्सनैलिटी एंड यू विल श्योरली गेट रिकमेंडेड इन योर अपकमिंग एस एस बी इंटरव्यू सो लाइक दिस इफ यू वॉन्ट मोर गाइडेंस एंड टिप्स रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस हाउ टू डू हाउ टू परफॉर्म इन एस एस बी इंटरव्यू नीड टू गेट यूर कोर्स इसके लिए आपको हमारे एस एस एक एग्जाम्स क्रैक के लर्निंग आपको डाउनलोड करना है उसके बाद इस कोर्स को एनरोल हो जाना है इसमें लाइव क्लासेस भी हम लोग लेते हैं जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो हमारे साथ आके और अपने क्वेश्चन या डाउट्स को क्लारीफाई और रिजोल्व कर सकते हो इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटर्न डिफेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन लेना चाहते हो तो उसके रिलेटेड कोर्सेज भी हमारे ऐप में अवेलेबल है सो यू कैन चेक कोर्सेज आउट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू यूज द कोड बॉड यूर टेन वेन यू कैन इंग योर सेल्फ एनरोल्ड इन टू एनी कोर्स ताकि आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट आसानी से मिल सके सो दैट वॉज इट आई होप द सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू आई सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर यू अपमिंग एस एस बी इंटरव्यू टिलेड विद एस एस बी क्रेक एग्जाम्स एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस एस बी इंटरव्यू एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं